हेलो स्टूडेंट क्लास 10 इंग्लिश मीडियम मैथ्स अवर चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। अभी तक हमने जो इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने ट्राइगोनोमेट्री के बेसिक्स देखा थे, इंट्रोडक्शन देखा किस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, साइन कोस टैन कोसाइन से और जितनी भी ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज होती है उनको किस तरीके से उनको वैल्यू फाइंड करते हैं, उनका रेशियो देखा। अब उनसे रिलेटेड उनके एप्लीकेशन मतलब हम ट्राइगोनोमेट्री को किस जगह पर हम यूज करेंगे, किस तरीके से उनका हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होता है वो देखेंगे। अभी तक आप समझ रहे थे कि ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं साइन कोस टैन ये यूज तो कहीं हो ही नहीं रहा, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में ये किस तरीके से यूज होंगे। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, या हम हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाइट अगर हमें किसी चीज की जैसे कि कहीं पर ट्राइंगल मेक हो रहा है और हमें उसकी हाइट नहीं पता या फिर उसका डिस्टेंस नहीं पता, जैसे कि हमने दीवार से हमारी सीढ़ी रखी हुई है, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि हमने इतनी ऊंची दीवार से सीढ़ी रखी हुई है तो सीढ़ी की हाइट क्या है, जो सीढ़ी की हाइट है वो फाइंड कीजिए। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि वो सीढ़ी को दीवार से कितने दूर पर रखा हुआ है वो पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर में ये सब सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ये पता लगेगा। तो ये सबसे पहले हमें दो चीज पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये आपकी आई है और आप हॉरिजॉन्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हम जिस लेवल में खड़े हैं वो तो हमारी क्या हुई हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल और ऊपर की तरफ हम स्काई की तरफ देखते हैं, आपको मालूम है आप एक ऑब्जेक्ट एक हम जैसे कि काइट है, काइट को हम देख रहे हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन तो बन रही है और साथ साथ एक हम जिस ऑब्जेक्ट तक देख रहे हैं वहां पर हमारी लाइन ऑफ साइट बन रही है, मतलब हम हमारी आंखों से जिस तरीके से एक लाइन मैप हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कैसे बनेगा कि जब हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं यहाँ पर हम काइट को देख रहे हैं हमारी आई से, तो ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल मैप होता है जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड सेकंड होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी बिल्डिंग में खड़े हैं, आपको जैसे कि आपके आपकी बालकनी में खड़े हैं आपकी सेकंड नंबर की फ्लोर की बालकनी में खड़े हैं, तो वहां से हम देख सकते हैं कि हम नीचे की तरफ कोई बॉल गिरी हुई है हमारे नीचे, तो हम नीचे की तरफ जो देखते हैं देखो इसमें क्या देख रहे थे हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ मतलब स्काई की तरफ देख रहे थे, हम जहाँ खड़े थे हमारे से ऊपर की तरफ, और यहाँ से क्या हो रहा है हम जिस प्लेस पे खड़े हैं उसके नीचे की तरफ देख रहे हैं, हम कोई बिल्डिंग पे खड़े हैं उसके सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं वहां से हम किसी नीचे वाली चीज को देख रहे हैं, तो वो जो लाइन ऑफ साइट बन रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी सीधी लाइन बन रही है उनके बीच जो एंगल मेक होगा वो हमारा क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो आपको ये दोनों चीजों को जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम ये सब क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हमको यही नहीं पता होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। तो ये होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इन दिस केस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन साइड के जो बिटवीन जो एंगल मेक होता है एंगल फॉर्म होता है वही हमारा क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम यहाँ हमारे हम 9.1 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं रीड कर रहा हूँ बुक से ही। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग पाइप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है और वो क्या कर रहा है क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग पाइप से, देन व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो वो टॉप है जो एक पोल है वो किससे खड़ा हुआ है ग्राउंड से खड़ा है और ग्राउंड से एक रोप बंधी हुई है एक रस्सी बंधी हुई है एंड वर्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो आपको ये जो पोल है हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो पोल है उस पोल के लिए क्या करना है इफ द एंगल मेड द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और जो रोप आपने एक रस्सी बांधी हुई है वो ग्राउंड से क्या 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपको क्या फाइंड करना है एंड फाइंड द रोप विद जो टॉप ऑफ ये इसका जो टॉप है ये इसकी हाइट जो हमारे एंगल है उसको फाइंड करना है हमको। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो हमको गिवन है वो लिखेंगे, हाइट ऑफ द पोल वो भी हमें पता नहीं है और हम समझ रहे हैं कि ये पोल है और ये पोल की हाइट अभी हम कुछ नहीं, और बहुत से लोग यहाँ पे एच भी लिखते हैं क्योंकि हाइट पता नहीं होती है लेकिन हम एच भी लेके कर सकते हैं लेट कर लेते हैं यहाँ पर एच या फिर टाइमली एबी भी लिखते हैं। देन इससे यहाँ पर एक जो रॉ बंधी हुई है उसको हम ऐसी मान रहे हैं और एसी को बोल रहा है कि जो रॉक है उसकी साइज कितना है 20 मीटर, तो हमने रॉक की साइज क्या लिखी है 20 मीटर और
ये कितना एंगल मैं कर दिया उधर से 30 डिग्री ये तो आपको 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है लेकिन साथ में रो से कितना बना लिए 30 डिग्री का तो सबसे पहले जो हमने ट्राइगोनोमेट्रिक में पढ़ा था इस पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो वहां से आपको देखना है इन दो चीजों को हम लेके चलेंगे एक हम हाइट को लेके चलते हैं और मतलब ये जो हाइट है इसको लेके चलते हैं और एक परपेंडिकुलर को लेके चलते हैं तो ऐसा चीज देखिए आप में जिसमें हाइट और परपेंडिकुलर आता हो तो हम देखें हाइट और परपेंडिकुलर हमारा इस वाले में ही आता है मतलब ये हमारा होता है साइन थीटा तो हम यहां पे साइन थीटा लेके चलेंगे तो हम ये लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइट और परपेंडिकुलर हमारा यहां पर क्या है AB आप इसकी जगह P अपॉन HB लिख सकते हैं तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा AB और हाइट परपेंडिकुलर हमारा हुआ AC AC और हाइट हम हाइट लेके चल रहे हैं तो ये हमारी हाइट हो जाएगी AC ये हम समझ रहे हैं AC हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हमारा AB है तो AB की जगह हम AB भी रख सकते हैं H रख सकते हैं तो AB और AC की जगह हम क्या रख रहे हैं 20 मीटर 20 और ये साइन क्योंकि साइन की वैल्यू है इसलिए हम लिख रहे हैं साइन और कितने डिग्री का एंगल मेक कर रही है 30 डिग्री का तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 या साइन 30 की प्लेस हम रख रहे हैं साइन 30 की वैल्यू जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री तो हम लिख रहे हैं साइन 30 डिग्री अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करने से पहले हम साइन 30 की वैल्यू को भी लिखेंगे हमने रेशियो की जो टेबल बनाई थी उसमें हमने देखा था कि साइन 30 0 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री ये सब की वैल्यू देखे थे वहां हमको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है तो ए बी एज इट इज अपॉन 20 और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए बी का 2 से मल्टीप्लाई और 20 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2ab 2 का AB का 2 से मल्टीप्लाई है तो 2AB और 20 का मास है तो 20 अब यहां से क्या करते हैं 20 को फिर ट्रांसफर करते हैं इस साइड मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होगा तो AB इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 और इसको कट करेंगे तो 2 10 का 20 तो AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर हेंस द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल्स टू या हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर मतलब जो पोल है इसकी हाइट कितनी हो गई हमारी 10 मीटर हो गई अब एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एक फिर से बोल रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन है एलिवेशन मींस ये वाला जो एंगल है इस टाइप का ही है तो यहां से एक टॉप है एक टावर है टावर के जो पॉइंट से ग्राउंड लेवल तक एक एक ट्रायंगल मेक हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है व्हिच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर और वो कितना दूर है 30 मीटर अवे तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा टावर है और टावर से 30 मीटर ये 30 मीटर की दूरी पर अगर कोई एक एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन मेक होता है कितने डिग्री का 30 डिग्री का ही बोल रहा है 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर वापस से हमको ये जो हाइट है ये फाइंड करना है h को फाइंड करना है तो हम फिर से क्या करेंगे इसको मान लेंगे हमारा टावर का ये जो टावर है हमारा और इससे 30 मीटर की दूरी पे और हमको अब ये भी अभी पता नहीं लेकिन इस बार हमको क्या पता है बेस पता है तो अब हम इस तरीके से फाइंड करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या है एक तो है हमारा परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर और बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा किस में आता है 10 थीटा में आता है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोलते हैं p अपॉन v मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा किस में आ रहा है हमारा 10 थीटा में आता है क्योंकि ये साइन ये कॉस और ये टेन होता है तो अब हम 10 थीटा की वैल्यू लेकर चलेंगे तो हमारी दोनों चीज लेंगे p अपॉन v परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB तो AB रखा हमने इन ट्रायंगल CAB या ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस हमारा क्या AC या CA और इज इक्वल टू 10 30 और 10 30 की वैल्यू क्या हमारी है 10 30 की वैल्यू होगी हमारी इस साइड हम क्योंकि जो हमारा थीटा है वो 30 डिग्री का बना इसे 10 30 तो AB अपॉन और CA की वैल्यू हमारी 30 दी हुई है हमने 30 रखा इज इक्वल टू और 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 तो 1 अंडर रूट अपॉन 3 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB अंडर रूट 3 और इज इक्वल टू 30 30 का 1 से मल्टीप्लाई 30 AB इस साइड ही रहने दिया और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड तो 30 अपॉन अंडर रूट 3 यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इसका एलसीएम निकाल के अंडर रूट से अंडर रूट को कट कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं लेकिन हमारा आंसर यहां तक भी सही होता है तो ये इसका हमारा जो ये इसके टॉप की हमारी हाइट की जो हाइट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी AB इक्वल टू 30 अपॉन अंडर रूट 3 तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है
हमको सिर्फ यही जो हमारा बेसिक देख रहे थे उसी तरीके से लर्न करना है. पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल सोना चांदी कौन, वहां से हम परपेंडिकुलर बेस और अपना जो हाइपोटेनियस है उनको देख के हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू को फाइंड करेंगे. ओके okay?